मेरी उम्र नहीं थी इतनी ज्यादा, मैं 17 साल की थी, पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने एक जाहिल बनने के यहाँ मुझे छोड़ दिया। शादी के बाद मेरा बच्चा पैदा हो गया, लेकिन ये बंदा मेरे ऊपर तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, गले में सिगरेट लगाना। ये लोग इतने डेंजरस है, इतने खतरनाक लोग है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ केसेस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके सामने तो न्यूज़ में आते होंगे, लेकिन आपने कभी इनकी गहराइयों और असलियत को जानने की कोशिश नहीं की होगी। और आजकल की मीडिया भी इन सभी को नज़रअंदाज कर देती है। आज की जनरेशन में कई सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो कि अपने काम से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए काफ़ी फेमस है। ज़्यादातर को तो हमने कभी भी टीवी पर नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी सभी जगह इनकी चर्चाएं होती रहती है। कोई अपने बेतुके कपड़ों के लिए फेमस है, तो कोई अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए। मुझे अपने आप को मारने को दिल करता है। लेकिन ये जो सारी बातें मैंने आपको अभी बताई है, ये इंडिया के मॉडल्स के बारे में है, जहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर आता है। इंडिया में सभी को अपनी पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे बहुत से राइट्स है, और तो सबसे ऊपर इक्वालिटी, सभी को हर काम करने की आजादी है, और उनके बीच में कभी भी धर्म आड़े नहीं आता है। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या पाकिस्तान, जहाँ पर औरतों को आपने कुछ इस तरीके से या फिर ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से देखा होगा, वहाँ पर क्या हम किसी लड़की को इन मॉडल की तरह इमेजिन भी कर सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का सवाल ना ही होगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कंदील बालोच के मर्डर केस के बारे में। पाकिस्तान के पहले इंटरनेट स्टार, जिसे पाकिस्तान की किम कार्दाशियन भी कहा जाता था, जो कि अपने बोल्ड अंदाज, सेक्सी लुक और अपने छोटे कपड़ों के लिए फेमस थी, वो एक छोटे से गांव से निकली लड़की थी जो कि अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, साथ में ही वो अपने परिवार को भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। बस वो कहती थी कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, बताऊंगी सबको, अपने खानदान को कहीं लेकर जाऊंगी, एक दिन शाह सदरुद्दीन में पता चलेगा। कंदील एक मॉडल थी, एक एक्ट्रेस थी और उसे गाना गाना भी आता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था। पूरे पाकिस्तान के इंटरनेट पर छाई कंदील को उसके भाई ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था, अपनी सगी बहन जो कि उसके ही परिवार की गरीबी को मिटाने के लिए निकली थी। तो आखिर क्या हुआ कंदील के साथ में, आइए देखते हैं। पाकिस्तान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, जहां पर एक तरफ पूरी दुनिया मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रही है, वहीं पर पाकिस्तान के कुछ ऐसे हिस्से भी है जो कि अभी भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं, और औरतों की जिंदगी तो उनकी होती नहीं है। घर से निकलना, दोस्तों से मिलना, इन छोटे छोटे चीजों पर पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। लेकिन वही पूरी दुनिया के सामने नाम आता है कंदील बालोच नाम की एक लड़की का, जो कि अपने छोटे कपड़े, अपने बोल्ड अंदाज के लिए पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी। आज की तारीख में हजारों मॉडल आपको इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर मिल ही जाएंगे, लेकिन ये बात है 2016 से पहले की, जब कंदील इंटरनेट की स्टार बन चुकी थी। कंदील के जो पहले वीडियो वायरल हुए थे, उनमें से एक वीडियो था जिसमें वो गाना गा रही थी। कंदील का गाना लोगों को पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन लोगों की नज़र उसके ड्रेस पर जरूर पड़ी थी। कंदील ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जहाँ पर उसके थाई से लेकर उसके पूरे पैर खुले हुए थे, और ये पाकिस्तान में होना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन कंदील पहले बोल्ड नहीं थी, वो एक सिंगर बनना चाहती थी, और इसीलिए उसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आकर पाकिस्तान आइडल के लिए ऑडिशन भी दिया था, और तभी वो पहली बार टीवी पर आई थी। लेकिन उसका ये ऑडिशन बहुत ही बुरा था, जिसने कंदील का दिल पूरी तरीके से तोड़ दिया था। जो सपने वो अपने साथ में एक छोटी सी जगह से लेकर आई थी, वो बिल्कुल ही टूट गए थे। लेकिन इस रिजेक्शन को कंदील ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया। उसने एक एजेंट को हायर किया जो कि उसे गाइड करे कि कैसे उसे अपने स्टार बनने की जर्नी को पूरा करना है। कंदील ने पाकिस्तान आइडल में रिजेक्शन झेलने के बाद में कई बार अपने आप को एक अच्छा सिंगर साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन उस ऑडिशन के बाद से किसी ने भी कंदील को एक अच्छा सिंगर मानने से इनकार कर दिया था। उसको कहती थी कि सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि मैंने ये प्रोग्राम कर लिया, और जिसकी वजह से मेरी सिंगिंग कैरियर में एक वो आई। फिर जब पूरी दुनिया में इंटरनेट बूम पर था और फेसबुक भी अपने पीक पर था, और तब एक दिन कंदील ने बैंक से लौटते दौरान अपने एजेंट मेक खान के साथ में एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया, और उस वीडियो को उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दिया। ये वीडियो रातों रात इतना ज्यादा फेमस हो गया कि पूरे पाकिस्तान ने इस वीडियो को देखा, और कंदील का चेहरा सब लोग जानने लगे थे। कंदील की सिंगिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी, ना ही वो एक अच्छी एक्टर थी, लेकिन स्मार्टफोन
और इंटरनेट के आने की वजह से उसने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। पर कंदील अपने टैलेंट से फेमस नहीं हुई थी, बल्कि वो अपने छोटे कपड़े और अपने सेक्सी ऑनलाइन अपीयरेंस की वजह से फेमस हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और तो कंदील के बयान कुछ इस तरीके से भी होते थे, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की हूं, ठीक है? और यही पाकिस्तान के लोगों की आंखों में खटका था। पुराने ख्यालों के लोगों का ऐसा मानना था कि औरतों को अपना शरीर ढककर रखना चाहिए और उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एक तरफ लोग कंदील को क्रिटिसाइज कर रहे थे, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ का कल्चर मगरिब और दूसरी जगह से बड़ा मुख्तलिफ है। और दूसरी तरफ कंदील के लाखों फॉलोअर भी थे, उसके लाखों में व्यूज आते थे। यानी कि जो लोग कंदील के बोल्ड लुक को ना पसंद करते थे, वही चोरी छुपे जाकर उसे स्टॉक भी करते थे। अब जल्दी कंदील को पाकिस्तानी मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया था। पहले जहाँ पर कंदील बस लोगों के मोबाइल फोन में थी, वहीं पर वो अब टीवी पर भी आने लगी थी। दुनिया भर के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी ही उसका खतरा बनती जा रही थी। कंदील को पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और दुनिया के कई इस्लामिक कंट्री से डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। कंदील की कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कंदील को नेशनल न्यूज पर एक टॉक शो में बुलाया गया था, जिसमें एक मौलाना मुफ्ती कवि की कंदील से डिबेट होने वाली थी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा था। मुफ्ती कवि ऐसा कई बार कर चुके थे और पाकिस्तानी मीडिया अक्सर ऐसी डिबेट भी कराती थी जिसमें मौलाना वर्सेस मॉडल्स की बहस हुआ करती थी। और पाकिस्तान की जनता को ये बहुत ही पसंद आता था कि किस तरह से एक मौलाना एक लड़की के सबके सामने नेशनल टीवी पर उसकी अकल ठिकाने लगाते थे। इसका जिस्म जो है वो मोहतरम है, उसको पर्दे में होना चाहिए। नेशनल चैनल के जरिए पूरी दुनिया के सामने कंदील के इन अप्रोप्रिएट फोटोज को चलाया गया था ताकि कंदील का नाम पूरी तरीके से खराब हो जाए। कंदील ने अपने आप को सही साबित करने के लिए पूरा शो अच्छे से हैंडल किया। लेकिन शो के खत्म होते होते मौलाना ने कंदील से ये कहा कि मोहतरमा आप कराची में होती हैं, उन्होंने कहा मैं कराची। मौलाना ने कंदील से मिलने की बात की और इसी डिबेट के बाद से कंदील की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कंदील जितनी ज्यादा फेमस हो रही थी, उतना ही लोग उसे नापसंद भी कर रहे थे। उसके लिए लोगों के मन में हेट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ऊपर से मौलाना के साथ में इस शो ने आग में घी डालने का काम किया था और कंदील को अब सभी जगह से मरने की धमकियां भी आ रही थी। अब जैसा कि टॉक शो के बाद में मुफ्ती कवि ने कंदील से मिलने की बात की थी, तो शायद कंदील ने यह सोचा कि मौलाना मुफ्ती कवि से मिलकर वो अपनी इमेज को साफ कर लेगी और लोगों के दिलों में फिर से जगह बना पाएगी। मुफ्ती कवि जब कराची आया तो उसने कंदील के साथ में एक होटल में मीटिंग सेटअप की। कंदील ने अपने अंदाज में मुफ्ती कवि के साथ में एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें मुफ्ती कवि को परेशान भी कर रही थी। और एक बार फिर से कंदील नेशनल टीवी पर चारों तरफ फैल गई और उसकी मौलाना के साथ में फोटोज को पूरी मीडिया वाले बहुत ही गलत तरीके से फैला रहे थे। मुफ्ती ने अपनी इमेज साफ करने के लिए पूरी मीडिया के सामने ये कहा कि वो बस कंदील को स्पिरिचुअल एडवाइस देने के लिए मिला था, लेकिन कंदील का कुछ और ही कहना था। उसके अकॉर्डिंग मुफ्ती ने उसे शादी करने और उसकी 18वीं बीवी बनने के लिए ऑफर किया था। अब इसके बारे में मुफ्ती को उसकी रिलीजियस कमेटी से भी निकाल दिया गया। मुफ्ती के साथ में इस इंसिडेंट के बाद नेशनल मीडिया ने कंदील के पासपोर्ट को पब्लिक कर दिया, जिससे कि कंदील का असली नाम, उसका असली एड्रेस सब कुछ लोगों के सामने आ गया। कंदील को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। जिसके बाद में वो फिर से कराची से निकलकर अपने गांव अपनी माँ के पास में आ गई। कंदील का जन्म 1 मार्च 1990 में हुआ था। उसके 6 भाई और एक बहन थी। वो बलोच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पिता मोहम्मद अजीन और माँ अनवर बीबी एक बलोच थे। कंदील, ये जो नाम आप इतनी बार सुन रहे हैं, ये उसका असली नाम भी नहीं था। कंदील का असली नाम था फैजा अजीम। वो एक बलोच थी और बलोच एक ट्राइब होती है जो कि मोस्टली गाँव में रहते हैं और गाँव में रहकर ही खेती बाड़ी भी करते हैं और उनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी भी होती है। तो इसलिए कंदील ने भी अपने नाम में ही बलोच लगा लिया था ताकि बलोचों को वो एक अलग पहचान दिला सके और उनके ऑर्थोडॉक्स समाज के लिए वो इंस्पिरेशन बने। बलोचों को बहुत ही कंजर्वेटिव माना जाता था, जो कि अपने घर की औरतों को दबा कर रखते थे। वहाँ की लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था और परिवार की डिसरिस्पेक्ट करने पर उन्हें मार दिया जाता था। छोटे से गाँव से होने के कारण कंदील की शादी कम उम्र में ही करा दी गई थी, जब वो मात्र 14 साल की थी। लेकिन कंदील का पति उसे मारता पीटता और उसे इलेक्ट्रिक करंट भी लगाया करता था। लेकिन ये बंदा मेरे ऊपर तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, गले में सिगरेट लगाना, ये
ये लोग इतने डेंजरस है, इतने खतरनाक लोग हैं। ये बात कंदील ने अपनी माँ को बताई, लेकिन उसकी माँ भी उसके लिए कुछ न कर सकी। फिर कंदील का एक बच्चा भी हुआ, जबकि उसके खुद की उम्र बहुत ही ज्यादा कम थी। बच्चा होने के बाद भी कंदील का पति उसे अक्सर मार करता था, और अपने सेबीसी पति से तंग आकर कंदील ने एक दिन अपने बच्चे के साथ में अपने ससुराल से भागने का फैसला किया। कंदील अपने छोटे से बच्चे को लेकर गाँव से निकल कर मुल्तान आ गई थी, और वहाँ पर उसने एक वुमन शेल्टर में शरण ली। कंदील के पास में अपने बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसका बच्चा भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा था। बच्चा भी बीमार हो गया, दूध के भी पैसे नहीं थे। फिर किसी ने कहा कि तुम बच्चा वापस कर दो, बच्चे को अगर कुछ हो गया बच्चे का बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंदील की खुद की उम्र बहुत ही ज्यादा छोटी थी, और वो एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी, और इसलिए कंदील ने अपने बच्चे को उसके पति को सौंप दिया था। अब मुल्तान से निकलने के बाद में कंदील ने अपना नाम फौजा से बदलकर कंदील बलोच रख लिया था, और उसने सिंगिंग और एक्टिंग की तरफ अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश की। कंदील ने छोटे मोटे ड्रामा और सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और वो कई सारे ड्रामा शो में भी आने लगी थी। लेकिन जल्दी ही टीवी इंडस्ट्री को भी कंदील ने छोड़ दिया, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री के लोग एक अकेले घर से भागी हुई लड़की को वैल्यू नहीं देते थे। कंदील को कई बार बदतमीजी और कास्टिंग काउच का सामना भी करना पड़ा था। कंदील को वो फेम और वो पहचान नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए वो इतनी दूर इतनी परेशानियों से लड़कर आई थी। और इसी के बाद में कंदील ने टीवी को छोड़कर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपना एक बहुत ही बोल्ड अपीयरेंस बनाया। कंदील के 6 भाई थे, जिनमें से सबसे छोटा था वसीम। वो कंदील से भी छोटा था, और वो कंदील से धीरे धीरे नफरत करने लगा था, क्योंकि कंदील की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद लोग उसकी इंसल्ट किया करते थे और उसकी बहन के बारे में मजाक बनाते थे, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग फील होता था। मुफ्ती के साथ में इंटरव्यू और फोटोज के वायरल होने के बाद में वसीम का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। वो लोगों से लड़ाइयाँ करने लगा था, क्योंकि उसकी नफरत कंदील के लिए बढ़ती जा रही थी। वसीम अपने बड़े भाई असलम को भी इस बारे में बताता था, जो कि बाहर काम के लिए गया हुआ था, और असलम ने भी ये बात अपने माता पिता और कंदील को बता दी थी कि वसीम कंदील से नफरत करने लगा है और वो कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी मुफ्ती के साथ में इंटरव्यू और डेथ थ्रेट आने के बाद में कंदील को वापस अपने गाँव में आना पड़ा। जब वो अपने गाँव में आई तो उसने अपना मुँह पूरी तरीके से कवर कर रखा था, सीधे साधे बलोच के कपड़े पाकने, चादर लपेट के, मुंह वनहेट के आई, और उसने बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि उसे डर था कि उसके गांव में कोई उसे पहचान न ले। लोगों की हेट और धमकियों से बचकर कंदील अपने गांव अपने घर पर ये सोचकर आई थी कि यहाँ पर वो सेफ रहेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहीं पर उसे सबसे ज्यादा खतरा भी है। अब 15 जुलाई 2016 की रात को कंदील ने अपने माता पिता और भाई वसीम के साथ में डिनर किया, और डिनर के बाद में वसीम सभी के लिए दूध का गिलास लेकर आता है, और वसीम ने अपने अम्मी अब्बू और कंदील के ग्लास में नीम की गोली डाल दी थी। फिर करीब रात को 11:30 बजे वसीम कंदील के रूम में गया, और उसने अपनी सगी बहन कंदील को वापस सोया हुआ देखा। कंदील गहरी नींद में थी, फिर वसीम ने बिना देरी किए कंदील का गला घोट दिया। कंदील नींद में ही तड़पती रही, और उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ में ये क्या हो रहा है। कंदील ने कभी भी अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस भाई के साथ में वो बचपन से खेलती आ रही है, जिसके साथ में उसने अपना पूरा बचपन बिताया, वही भाई उससे इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगा कि उसे उसका गला दबाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अगले सुबह जब कंदील के पेरेंट की नींद खुलती है तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि कल रात को उनके साथ में क्या हुआ था। जब वो कंदील के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कंदील के शरीर पर वसीम की शॉल ढकी हुई है। जब उन्होंने उस शॉल को हटाया तो उन्होंने देखा कि बेड पर बस कंदील का शरीर पड़ा हुआ था, और कंदील उनकी छोटी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। कंदील की मौत के 24 घंटे के बाद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसने भी कबूल कर लिया था कि उसी ने कंदील को मारा है, लेकिन इन शब्दों को कहते समय उसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अत्य जाफरी ने बताया कि जिस जगह से कंदील आती है वहां पर ये सब होना आम बात है। पेरेंट अपनी बेटियों को बहुत ही कैद में रखते हैं, और छोटी छोटी बात पर लड़कियों को मार दिया जाता है। कंदील का फ्यूनरल उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग किया गया था, और मीडिया की हद तो तब पार हो गई जब उसके फ्यूनरल को भी नेशनल टीवी पर दिखाया गया। तो अब बात ये आती है कि क्या वसीम ने कंदील की मौत की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी, या फिर उसे बस ऐसे ही दिमाग में आया और उसने एक पल में कंदील को मार डाला। वसीम ने जब कंदील की ये फोटो मुफ्ती के साथ में देखी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुई थी, उसी के बाद से उसके मन में कंदील के खिलाफ गुस्सा और बढ़ता गया। फोटो में दिख रहा है कि कंदील ने मौलवी की टोपी पहनी हुई है, और इस फोटो के बाद से ही कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। कंदील के पेरेंट का ऐसा मानना था कि कंदील की मौत के पीछे मुफ्ती का भी हाथ है,
क्योंकि कंदील के साथ उसकी मुलाकात के बाद में उसे भी शर्म का सामना करना पड़ा था और एक मौलाना होने के नाते उसके फॉलोअर ने भी उसे नीचे नजरों से देखना शुरू कर दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि उस रात कंदील को मारते समय वसीम की तीन लोगों ने मदद की थी। उनमें से एक था अब्दुल बसीत और अब्दुल बसीत मुफ्ती का भतीजा था। पुलिस को मुफ्ती कवि के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगे। ऑनर किलिंग का मामला अक्सर दूर दराज के इलाके से ही आता है और परिवार के ही लोग मिलकर अपने बेटे की हत्या कर देते हैं, जिसे समाज भी माफ कर देता है। वहीं पर कंदील के अब्बू ने वसीम को माफ नहीं किया और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये तो कंदील की बुरी किस्मत कहे या फिर अच्छी कि मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि अक्सर पिछड़े गांवों में ऐसी ऑनर किलिंग होना आम बात होती है। मुख्तार भी कंदील के गांव के आसपास वाले इलाके की रहने वाली थी। उसका 14 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया था और वो भी गांव की पंचायत के कहने पर, यानी कि गांव की पंचायत के कहने पर 14 लोगों से उसका जबरदस्ती रेप करवा गया। चूंकि मुख्तारा की वजह से उसकी पूरी फैमिली को ऑनर शेम का सामना करना पड़ा था। रेप किया, फिर जब वापस आई तो मेरा कोई कपड़ा नहीं था, मेरे वालिद ने वही, इन्होंने कपड़े जो पीछे पहन के, जो बड़ी चादर मैंने पहनी होती, मेरे वालिद ने वही मुझे दी। लेकिन मुख्तारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जैसी दूसरी औरतों को बचाने का फैसला लिया और आज मुख्तारा ऐसी लड़कियों की मदद करती है जिन्हें रेप और इन चीजों का सामना करना पड़ता है। देश में वसीम जैसे क्रिमिनल बहुत से हैं, लेकिन वहीं पर मुख्तारा जैसी औरतें भी हैं जो कि दूसरे किसी कंदील के साथ में ऐसा होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं पढ़कर पायलट बनना चाहती हूँ। कंदील जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर से निकली थी, मात्र 26 साल की उम्र में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कंदील के एजेंट मैक खानी बताते हैं कि कंदील की मौत से एक दिन पहले ही उनकी कंदील से कॉल पर बात हुई थी और कंदील को एक बड़े से अवार्ड फंक्शन में होस्ट करने का मौका मिला था, जिसके लिए कंदील बहुत ही ज्यादा खुश थी और हो सकता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था अपने सपने को पूरा करने का। कंदील को अगले ही दिन अवार्ड फंक्शन के सिलसिले में कराची जाना था और उसने मैक खान को ये भी कहा था कि वो उसे अगले दिन समय पर उठा दे। लेकिन अगले दिन मैक ने कंदील की मौत की खबर सुनी। कंदील के साथ साथ उसके सपने भी दफन हो गए, जहाँ पर कंदील की माँ रोज फूल चढ़ाने के लिए जाती है। सोचती हूँ कि बस उसका जो ख्वाब था वो तो पूरा कर लिया उसने, लेकिन देखा तो नहीं है उसने। काश वो खुद देखती कि इतना मशहूर हो गई है, पूरी दुनिया में सब लोग उसको जानते हैं।